आज जो लोग पाकिस्तानी भाभी पाकर खुश है ना, कल अगर खुदा ना खास्ता कोई घटना हो गई तो ये जितने भाभी के देवर दिख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बिल में छुपे मिलेंगे आसाराम बापू की तरह। इन सब देवरों से पूछिए ना कि कल अगर तुम्हारी भाभी आतंकवादी हो गई तो तुम आसाराम बापू की तरह बिल में तो नहीं छुपोगे ना, सामने आओगे, कहोगे ना मैं भी भाभी का देवर हूँ, मुझे भी सलाखों में डालो। हमारी मीडिया इतनी एक्टिव है, पाकिस्तान में टमाटर 250 रुपए किलो, पाकिस्तान में इनके घर बिरयानी बन रही है, इनके घर कबाब बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 बच्चे काफी हो जाए। अगर सचिन के जगह सरोज होता या सैफ होता तो आप उसको आतंकवादी कहते, मीडिया वाले आतंकवादी घोषित कर दिए, अब तक उसके पूरे खानदान को आपने आतंकवादी घोषित कर दिया होता। अगर आज एक प्रेमिका 3-3 बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आ सकती है तो ये सही है, इसको मानना पड़ेगा कि मोदी जी सुरक्षा में बिल्कुल विफल हैं। और कल पाकिस्तान से सैकड़ों आतंकवादी अगर भारत में घुसते हैं तो इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देश में एक महिला बहुत चर्चाओं में है, नाम है सीमा हैदर। वो बताती हैं कि करीब 30 सालों से वो इस्लाम धर्म को मान रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब कई पत्रकार उनसे कलमा पूछ देते हैं या ये पूछते हैं कि अच्छा बताइए कितने तरीके की नमाज़ होती है, उस नमाज़ को क्या कहा जाता है, तो वो घबरा जाती हैं, वो जवाब नहीं दे पाती हैं। तो एक सवाल है मेरा भैया से, इनसे पूछना, 9-7 भैया आप हैं, ये बताइए कि एक मुसलमान अगर अपने आप को अगर एक मुसलमान कह रहा है तो अगर उसको कलमा ना आता हो, उसको ये ना पता हो कि कितने तरीके, ठीक है पूरा नमाज आना कठिन है, लेकिन उसको नाम तक ना पता हो कि पांचों नमाज को क्या कहा जाता है, तो क्या वो मुसलमान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नौशाद अंसारी है, मैं आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष गोरखपुर हूँ। और आपने कहा कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत चली आई और उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं तो बताते हैं कि मुसलमान हैं, और जब उनसे कलमा पूछा जाता है, नमाज पूछी जाती है, तो उनको मालूम नहीं है। ठीक है, आप वो क्या हैं हम इस पे बाद में चलेंगे। सबसे पहला जो सवाल है, एक आतंकवादी 3-3 बॉर्डरों को क्रॉस करके नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर लेता है। आप आतंकवादी कह रहे हैं, हमारी मीडिया कह रही है प्रेम पुजारी है, वो कह रहे हैं प्रेम है, प्रेम सरहदें कहाँ देखता है, प्रेम तो सरहदों को तोड़ता है। अगर सचिन के जगह सरफराज होता, सचिन के जगह सरोज होता, सचिन के जगह सैफ होता, तो शायद हिंदुस्तान की गोदी मीडिया और हिंदुस्तान की सोशल मीडिया अब तक अपने अपने चैनलों पर उनको आतंकवादी घोषित कर दिया होता, चाहे भारत सरकार और भारत की कानून ने उनको आतंकवादी घोषित किया होता ना किया होता, लेकिन यहाँ की मीडिया पहले आतंकवादी घोषित कर दिया होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो सरोज और सैफ के बजाय वो एक सचिन के साथ आती है, तो इसलिए उनको एक प्रेमिका दिखाई देती है। देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, बार बार मेरे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं भारत को विश्व गुरु बना रहा हूँ, और आज चीन थर थर काँप रहा है हमारी ताकत के आगे। आप देखिए पहले कि आप कह रहे हैं कि प्रेमिका है, चलिए हम उसको थोड़ी देर के लिए प्रेमिका ही मान लेते हैं। वो पाकिस्तान के रास्ते 3-3 बॉर्डर क्रॉस करके आखिर इंडिया में कैसे आती है? इतनी पैसे आप सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं, इतना मेंटेनेंस आप सिक्योरिटी को देते हैं, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? अगर आज एक प्रेमिका 3-3 बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आ सकती है तो ये सही है, इसको मानना पड़ेगा कि मोदी जी सुरक्षा में बिल्कुल विफल हैं। और कल पाकिस्तान से सैकड़ों आतंकवादी अगर भारत में घुसते हैं तो इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हैं। आप कह रही हो प्रेमिका है, हम उसको प्रेमिका ही मान लेते हैं। एक प्रेमिका थी, क्या अगर वो बॉर्डर पे आएगी तो उससे पूछा नहीं जाएगा? क्या बगैर वीजे के बगैर पासपोर्ट क्या कैसे आ रही हैं? पासपोर्ट तो था भैया, वीजा नहीं था, बस 5 पासपोर्ट था, 3 सेल फोन थे, कई सारे सिम थे, इसकी जांच आपने क्यों नहीं किया? आप बताइए, एक साधारण आदमी का एक पासपोर्ट नहीं बन पाता है, आपकी पुलिस जांच में ही खारिज कर देती है। उसके 5-5 पासपोर्ट थे, 3-3 फोन थे, कई सारे सिम थे, आपने जांच क्यों नहीं किया? वो पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, और नेपाल से भारत चली आती है, और आप कहते हैं कि वो एक प्रेमिका है, आप उसको प्रेमिका देख करके जांच कर रहे हैं।
आप इस चीज को समझिए, अगर सचिन के जगह सरोज होता या सैफ होता तो आप उसको आतंकवादी कहते, मीडिया वाले आतंकवादी घोषित कर दिए, अब तक उसके पूरे खानदान को आपने आतंकवादी घोषित कर दिया होता, आज उसको सलाखों के पीछे रखा गया होता, कहीं ना कहीं उसको फांसी की सजा सुना दी गई होती। तो सीमा के साथ हमदर्दी किस बात की है? सीमा के साथ हमदर्दी सिर्फ इसलिए क्योंकि सैफ की जगह सचिन के साथ आई है, वो सैफ के बजाय वो सचिन के साथ आई है। अगर वो सैफ के साथ आई होती, सरोज के साथ आई होती, तो आतंकवादी होती। यहाँ जो नफरत चल रही है ना, उस नफरत को खत्म कीजिए, उस नफरत से हट करके आप देखिए, भारत से हर एक नागरिक को मोहब्बत है। कह रही है कि हम सनातन धर्म को बड़ा पसंद करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा हिंदू कल्चर, इसीलिए कई बार वो जो आपने देखा होगा जो गमछा लगाती हैं उस पर राधे राधे जय श्री राम लिखा होता है, उनके बच्चे हनुमान की लॉकेट पहनते हैं। उनका प्रेमी सचिन या उसका परिवार क्या इस चीज़ की मीडिया में गारंटी देगा, ऑन रिकॉर्ड या लिखित में गारंटी देगा कि वो उसकी माशुका ही है, उसकी प्रेमिका ही है? ऐसा तो नहीं कि वो एक जासूस बन करके आई है और वो भारत की जासूसी कर रही हो और सचिन के परिवार के शरण में वो हो? इस चीज़ की आप जांच कीजिए। अगर आज आप जांच नहीं करते हैं और कल भारत में कोई घटना घटती है तो ये समझ लीजिए कि इस भारत के 135 करोड़ की जो जनता है उसको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इस भारत से बच्चा बच्चा प्यार करता है और ये चूक मुझे लगती है कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको मोहब्बत और एक प्रेमिका ना देख करके एक जासूस एक आतंकवाद के तौर पे इसकी जांच कीजिए। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी होगी। इतना यकीन से कैसे? बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, पाकिस्तान के किसी नागरिक पे भरोसा नहीं। कोई पाकिस्तानी अगर भारत में आता है, वो किसी व्यापार के लिए भी आता है, तो मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि वो गद्दार है। और अगर आज सीमा हैदर आई है तो वो भी गद्दार है, कहीं ना उसके दिल में क्या ही, हम कैसे जान सकते हैं? वो प्रेमिका बन के आई है, कल हमारे देश में कोई कांड हो जाएगा इसके जिम्मेदार कौन होगा? लेगी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी? लेंगे मोदी जी जिम्मेदारी या लेंगे सचिन और सचिन के परिवार वाले जिम्मेदारी? नहीं लेंगे। अगर आज आप जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार है तो आप उसको आतंकवादी घोषित कीजिए, तत्काल उसको सलाखों के पीछे में पीछे करिए, सचिन के पूरे परिवार को सलाखों के पीछे करिए और जांच करिए कहीं ना कहीं उसकी वो लिप्त हो गया आतंकवाद में, ये मेरा वादा है। अच्छा, अगर कोई ये बोले कि मैं 30 साल से कोई धर्म मानती हूँ, उसके बाद भी उसको मूल चीज़ें ना पता हो उस धर्म की, तो आप यकीन कर पाएंगे कि वो एक मतलब देखिए अल्लाह ने मुझे मुसलमान बना के दुनिया भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, लेकिन जितना मैं इस्लाम को जानता हूँ उतना ही मैं आपके धर्म को जानता हूँ। जितनी मेरे समाज में जो भी चीज़ें मेरी रीति रिवाज होती है मेरे समाज के अनुसार, उतना ही मैं आपके समाज को भी जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अगर सीमा हैदर कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को बहुत मानते हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र भारत में हैं और हम समझते हैं हर नागरिक को अपना अधिकार है, वो जिसको पसंद करो, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान की बात आती है तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी धर्म से कोई आतंकवाद नहीं होता। इसलिए मैं सीमा हैदर को कभी मुसलमान नहीं मानता, कभी मैं हिंदू नहीं मानता, मैं उसको सिर्फ आतंकवाद मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसको आतंकवादी का नाम दिया जाए और जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। पूरा देश तो पाकिस्तानी भाभी पा के खुश है, आप क्यों इतना नाराज हैं? देखिए, आज जो लोग पाकिस्तानी भाभी पाकर खुश हैं ना, कल अगर खुदा ना खास्ता कोई घटना हो गई तो ये जितने भाभी के देवर दिख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बिल में छुपे मिलेंगे आसाराम बापू की तरफ। जिस तरह आसाराम बापू बिल में छुप रहे थे ना, ये भाभी के जितने देवर हैं वो सब बिल में छुपे नजर आएंगे। इन सब देवरों से पूछिए ना कि कल अगर तुम्हारी भाभी आतंकवादी हो गई तो तुम आसाराम बापू की तरह बिल में तो नहीं छुपोगे ना, सामने आओगे कहोगे ना मैं भी भाभी का देवर हूँ मुझे भी सलाखों में डालो? नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं भारत में जो झूठा ढिंडोरा पीटते कि मुझे भारत से मोहब्बत है। अगर जिस किसी को भी भारत से मोहब्बत है तो कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। पहले आप उसकी जांच कीजिए, पूरी तरह जांच कर लीजिए, अगर जांच में वो सही पाई जाती है वेलकम, वो भारत में रह सकती है। लेकिन अगर वो आतंकवादी में कहीं से कहीं लिप्त है तो सचिन सचिन के पूरे परिवार को और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन है भारत सरकार से जी। अच्छा, बेसिक क्या होता है, मतलब क्योंकि आप एक मुसलमान धर्म मानते हैं तो मैं बेसिक जानना चाहती हूँ कि कम से कम कुछ तो एक क्राइटेरिया होगा कि कम से कम इतना पता हो तो आपको मुसलमान माना जाएगा, जैसे कुछ तो होता होगा ना, कम से कम कलमा का ज्ञान हो। सबसे पहली चीज़, अल्लाह ने सबसे बड़ी जो चीज़ हमको नवाजी है, आप
एक मुसलमान का चेहरा देखेगा तो उस पर रौनक आपको दिखेगी। अल्लाह का नूर उस चेहरे पे बरस रहा होता है, आप उसके चेहरे पे देख ले फिटकार है। नूर तो उनके चेहरे पे उसके फिटकार बरस रही है। दूसरी चीज आपने कहा कुछ बेसिक चीज, हमारे यहाँ कोई अगर जाहिल होगा ना, उसके बाप दादा भी जाहिल होंगे ना, जरूर आता होगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूर पढ़ता होगा। और उससे अगर आप पूछिएगा कि एक दिन में कितनी टाइम की नमाज होती है तो बता देगा 5 वक्त की। कौन सी नमाज में कितने टाइम कौन कौन सी नमाज होती है बिल्कुल वो बता देगा। अगर एक जाहिल होगा तो अभी बता देगा। मैं समझता हूँ हर जगह वो फेल है और वो सिर्फ भारत में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आई हैं। वो भारत में अगर आई हैं तो मुसलमानों को बदनाम करने आई हैं, इसलिए मैं उनको ना तो मुसलमान मानता हूँ, मैं उनको सिर्फ आतंकवादी समझता हूँ। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उनकी जाँच होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए क्योंकि वो एक आतंकवादी है। अच्छा एक तीखा सवाल, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान धर्म को मानने वाली थी और आप भी एक मुसलमान धर्म को मानने वाले हैं, देश के बैरियर हटा दीजिए, देश को छोड़ दीजिए, धर्म की ही बात कर ले, तो कहीं इस बात का तो मिर्च नहीं लग रहा आपको कि मुस्लिम धर्म होने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, उसके बाद उनके बच्चे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, भारत माता की जय तो चलिए ठीक है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो इस बात का तो मिर्च नहीं है आपको। अच्छा आप एक चीज़ बता दीजिए, आपने कहा कि धर्म से कहीं हमको वो तो नहीं है। देखिए वो किसी धर्म को माने, सबका धर्म है, सब अपने अपने तरीके से अपने भगवान को मानते हैं और सबका मालिक एक है, बस अलग अलग नाम से पूछते हैं। वो किसको मानती हैं किसको पूछती हैं हम इससे कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आई हैं, वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं बदनाम कर रही हैं और इसके पीछे कहीं बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी जांच होनी चाहिए। मुसलमान से हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे बदनाम हो रहा है? अच्छा आप एक चीज़ बताइए, एक 16-17 साल का लड़का और 4 बच्चे की माँ पबजी गेम से मोहब्बत हो जाती है और अपना देश छोड़कर वो यहाँ, मतलब ऐसी भी कहीं मोहब्बत होती है क्या? अभी आपने देखा होगा एक ज्योति मौर्या SDM हो गई थी, जिसका पति दर्दर की ठोकरें खाकर अपनी पत्नी को SDM बना देता है, वो उसको धोखा दे सकती हैं। और एक ये औरत है जो 4-4 बच्चों को लेकर के अपने पति को अपने देश को धोखा देकर चली है, कैसी मोहब्बत है? आप दोनों चीज़ को टैली करिए ना, एक ज्योति मौर्या हैं जो अपने पति को छोड़ देती हैं और एक ये हैं जो अपने पति को अपने देश को छोड़ के चली आती हैं, इन दोनों चीज़ को आप टैली करिए। देखिए आपको कुछ पता है चाचा, देश में एक महिला आई है सीमा हैदर, उधर नाम सुने हैं? सर नहीं, श्याम का नाम पता नहीं है। नहीं पता है? नहीं पता है। देश में अल्लाह मचा हुआ है और आम लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है, ये चीजें बोले इंसान है। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे देश के नागरिकों को नहीं पता होती है। जब कोई घटना घटती है, जब मेरा देश कहीं जल रहा होता है, उस वक्त जब लोगों को पता चलता है तो लोग कहते हैं शायद ये कदम मैं पहले उठा लिया होता और इस तरह की घटना ना घटी होती तो आज मेरा देश सुरक्षित होता, मेरे देश के लोग मारे ना गए होते। मैं बार बार वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है आप उसको प्रेमिका कहते हैं, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक प्रेमिका 3-3 बॉर्डर क्रॉस करके चली आ रही है, आप इस चीज़ को समझिए, कहीं कोई जाँच नहीं। कल अगर कोई आतंकवादी चला आता है और कोई भारत में घटना घट जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले क्या सीमा हैदर का कोई मैटर चल रहा है, पूरा हल्ला हल्ला हो रहा है, सुना है? क्या सुना है आपने? यही कि वो किसी लड़के के चक्कर में अपना मुल्क छोड़कर यहाँ चली आई हुई है। हाँ, तो कैसे देखते हैं? कहते हैं प्यार सरहदें कहाँ रोक पाता है, प्यार को सरहदें नहीं रोक सकती, तो वो पाकिस्तान की प्रेमिका थी, उनका प्यार हो गया हिंदुस्तान में तो वो चली आई। कहीं कुछ अभी घटना कर रहे हो तब कौन जिम्मेदार? तो अंधा होता है ना। अरे अंधा होता है वो, ठीक है मुल्क को पहले रखना चाहिए ना। पहले मुल्क को देखना है फिर उसके बाद प्यार देखना है ना। अभी कोई घटना घट जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए उसकी जांच पूरी अच्छे से हो। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम, उसकी अच्छे से जांच हो, उसके बाद जो कार्रवाई करना हो ना करें। अच्छा कहीं चुनाव की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है? चुनाव भी बड़े नज़दीक आ गए हैं। अब देखिए आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में काबिज है तो सिर्फ 5 चीज़ों पे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर और मस्जिद, अगर ये 5 चीज़ भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो भविष्य में सत्ता में नहीं आ सकती। तो इसीलिए तो खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान की भाभी आई हैं कहीं आप, और अपने साथ 4 तोहफा भी लाई हैं। ठीक है 4 तोहफा, हिंदुस्तानी भी बन रहे हैं बच्चे। आपको ये पता होगा एक मुर्दे को उठाने के लिए भी 4 आदमी की जरूरत पड़ती है,
कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी का जनाजा उठाने के लिए चार बच्चे काफी हो जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि चार नन्हे मुन्ने इनाम वो तोहफा लेकर के आई हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए एक मुर्दे को चार लोग उठाते हैं, ये चार बच्चे भारतीय जनता पार्टी का जनाजा ना उठा दें, उनकी अर्थी ना उठा दें। और मुझे यकीन है कि अगर जांच नहीं हुई और सीमा हैदर को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया और उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, सचिन के परिवार को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो ये आप यकीन जानिए सचिन की क्या गलती है। सचिन को तो मोहब्बत हो गई, बस एक लड़की देखा। अगर उसकी जगह कोई मुसलमान होता उसको मोहब्बत हो जाती, वो पाकिस्तान चले आता, तब आप कहती कि ये मोहब्बत है, तब तो आप कहती कि वो भी आतंकवादी है, तब आप कहती। आप बताइए, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, आप हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगर आप बोल देती कि ये मुसलमान है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत ने पाकिस्तान के लिए क्या है, कल आपका चैनल बंद हो जाता है, गारंटी है मेरी। आप खुद नहीं बोल पाती। आप उस चीज़ को सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसकी जांच नहीं हुई, सीमा हैदर को अगर जो आतंकवादी घोषित नहीं किया गया, और जो आप कह रही चार तोहफे लेके आई, कहीं ऐसा ना हो जाए चार बच्चे भारतीय जनता पार्टी करती उठाने के लिए काफ़ी हो जाए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी करती यही संस्थान तक पहुँचाने का काम करेंगे। जान लीजिए चार बच्चे काफ़ी हैं, जान लीजिए, तत्काल इनकी जाँच करिए, इनको जेल भेजिए। हमारा देश जो है वो बड़ा खुश है, सीमा हैदर के घर में बड़े बड़े कैमरे लग रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि देश के लिए एक पाकिस्तानी भाभी आई हैं जो अपने साथ चार तोहफा लाई हैं, आप देखिए मुस्कुराइए, और वो तमाम इंटरव्यू भी दे रही हैं। कई बार वो ये कहते नज़र आती हैं कि हम 12-12 घंटा वीडियो कॉल पर थे, वो मुझे हिंदुस्तान दिखाते थे, मैं उनको पाकिस्तान दिखाया करती थी। तो ये सवाल नहीं खड़ा हो सकता है क्या देश की सुरक्षा के लिए कि वीडियो कॉल हो रहा है, चैटिंग हो रहा है? एक आशिक अगर वीडियो कॉल पे हिंदुस्तान की चीज़ों को दिखाता है, बताता है, क्या गारंटी है कि सिर्फ उसकी माशुकाई देख रही है? हो सकता है कि उसकी वीडियो कॉल को एक आतंकवादी देख रहा हो, या रिकॉर्डिंग करके एक आतंकवादी को फॉरवर्ड किया जा रहा हो और इसके पीछे एक साजिश हो रही हो। 2024 का चुनाव है, चुनाव के दौरान बहुत सारी घटनाएं होती है, कोई घटना हो जाए, आप इस नज़रिए से भी तो देखिए। बिल्कुल, मुझे इस देश से मोहब्बत है, इस देश के 135 करोड़ की जनता से मुझे मोहब्बत है। मैं उस मोहब्बत के नाते बार बार ये कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम एक घटना को दावत दे रहे हैं। हम कहीं ना कहीं एक घटना को दावत दे रहे हैं, या आप जान लीजिए, हम तीन तीन बार क्रॉस करके चले आ रहे हैं, कहीं जांच नहीं हो रही है। आज एक प्रेमिका आ रही है, कल एक आतंकवादी आएगा, क्या आप तब भी जांच नहीं करेंगे? कल को AK-47 लेके आ जाएगा बॉर्डर पे, हमारे सैनिक, मेरी बात सुन लीजिए, कल एक आतंकवादी AK-47 लेके आ जाए और बॉर्डर पे हमारे सैनिक को मार दे, क्या उनके बीबी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी माँ नहीं है, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी बीवी विधवा हो जाएगी? आप इस चीज़ को समझिए। मुझे आप कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी भाभी आई है, मुझे उस भाभी से ज़्यादा अपनी हिंदुस्तान की भाभी से मोहब्बत है, मैं उस भाभी के सुहाग को बचा रहा हूँ। मुझे इस बच्चे के, जो आप कह रहे हैं चार बच्चे लाए हैं, मुझे उस बच्चे से ज़्यादा यहाँ के बच्चे की मोहब्बत है, जिनके सर से पिता का साया उठने का मुझे डर सता रहा है, मुझे उस चीज़ का डर सता रहा है जो मेरे देश के लिए दिन और रात बॉर्डर पर जागते, अपनी जान को खतरे में डाल करके हमें चैन की नींद सुलाते, हमें उसकी फिक्र है। अगर वो रात में बॉर्डर पे ना जागे, अपनी ज़िंदगी को खतरे में ना डाले, तो शायद मैं सुकून से ना सो सकूं। मुझे उनकी चिंता है, मुझे इसकी चिंता है, जिस तरह मेरी माँ है, अगर मुझे सर में दर्द हो जाए तो मेरी माँ रोती है, अगर दवा ना फायदा करे तो मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है, मेरा सर दबाती है, मुझे दम करती है, दुआएँ पढ़ के फूंकती है, अल्लाह से दुआ करती है कि मेरे बच्चे के सर का दर्द खत्म हो जाए। उस तरह मैं देख रहा हूँ कि वो भी किसी का बच्चा है जो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है, वो भी किसी माँ का बच्चा है, वो भी किसी माँ का लाल है जो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़ा है। क्या अगर आज सीमा हैदर की जांच नहीं होती, वो चली आती, कल कोई आतंकवादी आकर के कोई घटना को अंजाम दे दे, मेरा सैनिक मारा जाए, उस माँ का क्या हाल होगा, उसकी बीबी का क्या हाल होगा, उसके बच्चों का क्या हाल होगा? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी जाँच होनी चाहिए और बॉर्डर को इस तरफ बनाइए कि अगर वहाँ से एक परिंदा भी आए तो आने से पहले 100 मरतबा सोचे कि हम जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। बस मेरा यही सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉर्डर सेफ हो, मेरे सैनिक सेफ हो, मेरे भारत के निवासी जो हैं वो सेफ हो, मैं यही चाहता हूँ। अभी एक साल पहले प्रयागराज में भी ऐसा ही हुआ था,
तब लूडो खेलकर एक प्रेमिका पाकिस्तान से चली आई थी, अब पबजी खेलकर चली आई है, अगले दिन कोई और प्रेमिका कुछ और खेलकर चली आएंगी। अच्छा, और हमारा देश अपना भी 2020 में पबजी भारत में बैन हो जाता। हाँ। 2020 में पबजी भारत में बैन हो जाता, उसके बाद भी ये मोहब्बत कैसे चल रही थी? और आप कहते कि हमारी खुफिया एजेंसी बहुत एक्टिव है, आखिर ये 3-4 साल की मोहब्बत हमारी खुफिया एजेंसी कहाँ थी? हमारी मीडिया 12-13 घंटे वीडियो कॉल हो रहे थे। हमारी खुफिया एजेंसी इतनी एक्टिव है, हमारी मीडिया इतनी एक्टिव है, पाकिस्तान में टमाटर 250 रुपये किलो, पाकिस्तान में इनके घर बिरयानी बन रही है, इनके घर कबाब बन रहा है, हमारे देश की मीडिया को ये पता चल जाता है, हमारे देश की मीडिया को ये पता है पाकिस्तान में आज कौन मर गया कौन जिंदा है। लेकिन 12-12 घंटा वीडियो कॉल हो रही थी 3 साल तक, हमारे देश की मीडिया कहाँ सो रही थी? हमारे देश की खुफिया एजेंसी कहाँ सो रही थी? और 3-3 बॉर्डर कर क्रॉस करके चली आ रही तो हमारी जांच एजेंसियाँ कहाँ थी? जो बॉर्डर पर सैनिक हमारे खड़े थे वो कहाँ थे? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। आज अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो यकीन मानिए हमारा भारत एक बड़ी घटना को दावत दे रहा है। आपको याद होगा पुलवामा में सैकड़ों सैनिक हमारे मार दिए गए, सैकड़ों माँ के लाल शहीद हो गए, सैकड़ों बीबी के सुहाग उजड़ गए, सैकड़ों हमारी बहनें विधवा हो गई, सैकड़ों हमारे बच्चे अनाथ हो गए। इनकी जिम्मेदारी किसी ने लिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी लिया? हमारे देश के किसी मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी लिया? हमारे देश के राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी? किसी ने नहीं लिया। जिसका मरता है जिसका खोता है उसको दर्द का एहसास होता है, इनको कहाँ होगा? इनको तो बस पाकिस्तान बिरयानी खाने से फुर्सत मिलेगी तब तो जानेंगे, ये तो बस झोला उठा के चले जाएंगे पाकिस्तान में बिरयानी खा के चले आएंगे। यहाँ किसकी गोद उजड़ रही है, किसके सर से साया उजड़ रहा है, इससे क्या मतलब है? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाँच होनी चाहिए, जाँच कीजिए, बहुत बड़ा सवाल है। अगर आज चूक गए तो आप हमेशा चूकेंगे, इसको सुधारिए, अपनी जांच एजेंसियों को एक्टिव कीजिए, खुफिया एजेंसी को एक्टिव कीजिए, नहीं तो हम समझते हैं कि कई बच्चे अनाथ हो गए। और एक सवाल ये भी है कि करीब 1.5 महीने तक वो नोएडा के गांव में रही, अगर वो अपना मतलब मैरिज जो है वो सर्टिफिकेट लेने के लिए अपना शादी करने के लिए नहीं गई होती तो ये खुलासा भी नहीं हुआ होता कि पाकिस्तान से एक लड़की आई है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, आप अपने घर से 2 दिन के लिए सिर्फ गायब हो जाइए तो क्या आपके घर वाले खोजेंगे या नहीं खोजेंगे? खोजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल खोजेंगे। वो 3-4 महीने से यहाँ हैं, उनके घर वाले क्यों नहीं खोज रहे? उनका शौहर क्यों नहीं खोज रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा किसी का भगा के लाई हो, उनका शौहर ना हो, उनकी शादी ना हुई हो, यहाँ ड्रामा कर रही हो। इस चीज़ को समझिए, जाँच कीजिए, बहुत बड़ा विषय है, जाँच करिएगा, बहुत सारे सुराग मिलेंगे, हो सकता है इसके पीछे जो बड़ी साजिश है वो बेनकाब हो, मेरे भारत में कई गोद उजड़ने से बच जाए, कई बच्चे अनाथ होने से बच जाएं, कई हमारी बहनें विधवा होने से बच जाएं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच कीजिए, ढंग से जांच हो तो क्या पता सीमा जैसी और भी कई लड़कियाँ का खुलासा हो, क्योंकि हो सकता है सीमा तो कम से कम मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए शादी करने के लिए गई और वकील से खुलासा हुआ, अगर ठीक से जांच हुई तो भारत सुरक्षित हो सकता है, और अगर ना हुई तो कोई एक बड़ा दावत हो सकता है, ये समझिए कि एक बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है, बहुत सारे लोगों की सुहाग उजड़ सकते हैं, ये आपका कहना है। तो हमारे साथ नौशाद भाई, पुलवामा में ऐसा ही हुआ, पुलवामा में आखिर जो सैनिक मारे गए, कई बहनों के सुहाग उजड़ गए, कई माएँ की गोदे सोनी हो गई, कई बच्चों के सर से जो है पिता का साया हट गया, आज वो बच्चे अनाथ हो गए, उनको कोई अपने बच्चे का नाम देगा? कोई उनकी परवरिश करेगा? कोई उनको पढ़ाएगा? जो बहनें हमारी विधवा हो गई क्या कोई उनसे शादी करेगा? नहीं शादी करता तो क्या उनको कोई खर्च देगा? कोई उनको अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे इस देश के एक एक नागरिक से मोहब्बत है, मेरे देश में अगर किसी नागरिक को दर्द होता है तो वो दर्द उसका नहीं, वो दर्द मेरा है, मैं उस दर्द के नाते कह रहा हूँ कि जाँच होनी चाहिए। अभी समय है, रोक लीजिए, बचा लीजिए, ना कहीं कोई घटना होने वाली, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हमें नज़र आ रही है, आप इसकी जांच कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में तमाम मुद्दे हैं लेकिन सीमा हैदर का एक ऐसा मुद्दा है जो आपको ग्लैमर दिखाकर बताया जा रहा है, तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल वाले वहाँ बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं, और वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो पूछा जाना चाहिए कि 1.5 महीने तक वो आकर रही और 1 साल के अंदर 2-2 ऐसे केस आ गए कि पाकिस्तान से लड़कियां आ रही हैं, तो सोचने की बात है कि कहीं और ऐसी लड़कियां तो नहीं, ये सवाल क्यों मीडिया हमारा पूछ नहीं रहा है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।
जरूरी मुद्दों पर सवाल करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को खटक जाया करते हैं।